जब पत्रकार ने मनीष जी से पूछा कि आप ये शराब की नई पॉलिसी ला रहे हैं, इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी क्या है कि एक जगह 5 दुकानें हैं, एक जगह 4 हैं, हम इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यह सरकार काम कर रही है, हम शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की नीति लाए हैं, साफ नीति लाए हैं। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुर्सी नहीं दी गई थी, आपको जनता ने चुना था पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको जनता ने चुना था सीवर सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, आपको जनता ने चुना था यमुना जी की सफाई करने के लिए, आपको जनता ने चुना था दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, आपको जनता ने चुना था प्रदूषण को दूर करने के लिए, आपको जनता ने चुना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए, आपको दिल्ली के अंदर शराब की नई पॉलिसी खोलकर नई हजारों दुकानें ठेके खोलने के लिए आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो दुकानें जो पॉलिसी वापस तो लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने कल एक ऐलान किया था कि 48 घंटे के अंदर जो मंदिर और स्कूलों के आसपास की दुकानें हैं उनको 48 घंटे के अंदर आप बंद करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर और स्कूलों के पास की दुकानें, धार्मिक स्थल और स्कूलों के आसपास की दुकानों को सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेंगे।